मध्य प्रदेश में उपचुनाव के चलते लगातार बयानों का दौर जारी है। इसी बीच में बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर पूर्व मंत्री उमंग सिंघार का बड़ा बयान सामने आया है। गंधवानी विधायक उमंग सिंघार ने भाजपा पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें 50 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था। साथ ही कहा कि मैं स्पष्टवादी हूं, अवसरवादी राजनीति में विश्वास नहीं रखता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि उमंग सिंघार गद्दार नहीं है, भाजपा गद्दार है। ये पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने अपने बयान में कहा है। गंधवानी के विधायक उमंग सिंघार ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में कहा कि सिंधिया ने मुझे 50 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था। साथ ही कहा कि मैं स्पष्टवादी हूं, अवसरवादी राजनीति में विश्वास नहीं करता हूं। उन्होंने कहा कि उमंग सिंघार गद्दार नहीं है, भाजपा गद्दार है। क्या आपके रास्ते अलग है, मेरे रास्ते अलग है। मैं सिद्धांतों की लड़ाई लड़ता हूं और मैं उस पर कायम रहूंगा। इसी बात को लेके ये भी मैं कहना चाहता हूं कि अवसरवादी राजनीति में कभी विश्वास नहीं रखता हूं मैं, और ना रखा है, स्पष्टवादी हूं। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से विधायकों खरीद फरोख्त लगी है वो कर रही है, तो ये भाजपा बौखला गई है कि सरकार हमारी जा रही है। तो ये सिंधिया जी और कई लोग जो भाजपा में चले गए, गद्दार उमंग सिंघार नहीं है, गद्दार ये लोग है। ये मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।